हाय, मेरा नाम सोनी राजदान है और आप मुझे देख रहे हैं cinespeak.com पर। हाय मैम, वेलकम ऑन cinespeaks। सो हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, थैंक यू। लुकिंग वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज़ ट्रेलर इज डूइंग ऑसम, सो वेटिंग फॉर द फिल्म, राइट? या सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस विद दिस फिल्म। या सो ये फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है हमारे जेनरेशन के लिए, हमारे टाइम के लिए, एंड मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग देखें ये फिल्म को। बीइंग अ कश्मीरी, आप हाफ कश्मीरी हो, वी कैन से दैट, तो कुछ इजी होता है कश्मीरी फिल्म करना, या फिर आई थिंक डायलॉग और एक्सेंट तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है एक्टर्स के लिए, बट हाउ इजी वाज दिस फॉर यू? इट रियली मेड नो डिफरेंस कि मैं आधी कश्मीरी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली कश्मीर में कभी रही नहीं हूँ। सो आई हैव नॉट रियली, आई डोंट स्पीक कश्मीरी, आई डोंट स्पीक द लैंग्वेज, सो या आई एम बाई बर्थ आई एम हाफ कश्मीरी, बट इट वुड बी रियली रॉन्ग ऑफ मी टू क्लेम टू बी वेरी कश्मीरी और एनी थिंग लाइक दैट। आई एम अ बॉम्बे गर्ल थ्रू एंड थ्रू, सो या इट वॉज एज डिफिकल्ट और ईजी फॉर मी टू डू दिस रोल एज इट वुड बी for anybody else. I had to, whatever Kashmiri dialogues I had to really kind of like learn them, and it was like alien to me. So yeah, it was a lot of hard work actually. Sure. So tell us something about your role exactly, what your role is in the film. I play a woman whose son has disappeared. So she's obviously, you know, people in Kashmir whose children are not around, have been taken away or have vanished or whatever, they have a kind of ek fatalism hote hai uske andar, matlab because so many years have passed, hame nahi pata hai ki hamara jo bachcha hai wo zinda hai ya mara hua hai ya kya hai, to accept bhi karte hain, nahi bhi accept karte hain, lekin ek attitude hai ki हम क्या कर सकते हैं। Exactly. So, ऐसा होता है। तो शूटिंग के टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई फिल्म में, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है शूटिंग के टाइम पर, तो हाँ कुछ कुछ फिल्म में हम कुछ कुछ हिस्से थे जो हम कश्मीर में नहीं शूट कर पाए क्योंकि तभी तो माहौल ज़्यादा ख़राब था, बट वी शॉट समवेयर एल्स एंड वी शॉट ऑल्सो इन कश्मीर, सो या वी हैव, बट वी डिडंट फेस एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये वो, लेकिन एक्चुअली असल में जब आप कश्मीर जाते हैं तो आपको लगता है अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब लोग बाज़ार खुले हैं, टूरिस्ट हैं, ये है वो है, तो ऑन द सर्फिस एक्चुअली कुछ ऐसे फील नहीं होते हैं दैट एनी थिंग इज़ डिफरेंट, एक्सेप्ट या यू सी द प्रेजेंस ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस अलॉट, यू डोंट सी इट एनी वेयर एल्स, सी इट देयर, सेंसिटिव स्टेट है, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी मैं गई हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं हुई ऑनेस्टली। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आलिया को अवार्ड मिल रहे हैं और शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट, एंड थैंक यू, शी इज़ पर्सनली माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव हर। तो कैसा लगता है बीइंग अ मदर जब बेटी को इतनी ज़्यादा शोहरत और इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस का? या ऑब्वियसली आई मीन एज अ मॉम आई एम रियली प्राउड, एंड for a mother it's really great to see your kids doing what they want to do and doing well at it, so main isse zyada khush I think ho nahi sakti hu. To kuch aap log script chunne mein aise kuch help karte ho aap log Alia ko, ya fir kaise itni brilliant scripts unke paas aati hai? She's just I think kabhi kabhi shayad अगर एक एक्टर है जो एक कैरेक्टर को प्ले मतलब निभा सकती है, देन परहैप्स स्क्रिप्ट्स आर रिटन फॉर दैट पर्सन इन माइंड, सो ऑन वन लेवल आई थिंक प्रोबेबली व्हेन देयर इज समबडी हु इज एबल टू पोर्ट्रे, देन डायरेक्टर्स आल्सो लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये आलिया कर सकती है तो शायद हम ये लिख सकते हैं और ये यू नो बना सकते हैं, सो आई फील परहैप्स ऑन दैट लेवल यू फील कि चलो कोई है जो कर सकते हैं, but I don't know really, I think she's also very lucky, and that ye ek daur hai cinema, you know, Indian cinema ke time pe ki aise aise films bana bhi rahe hain, you know, so ban bhi rahe hain matlab. Yeah, and how was your experience working with her in Razi? Well, it was great fun. Yeah, I mean, firstly I never get to see my daughter.
तो एक तो वो था कि हम साथ में काम भी कर रहे थे और रह भी रहे थे साथ में, तो वो बहुत मज़ेदार दौर था. बट ऑल्सो इट वॉज वंडरफुल टू वर्क विथ हर बिकॉज शी इज़ इट्स वंडरफुल टू आई हैव बीन अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस फॉर सो मेनी ईयर्स बट शी नाउ टू वर्क विद अ डॉटर हु इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल इट्स अ स्पेशल एक्सपीरियंस यू नो रियली. तो आपको भी ऑलरेडी बहुत बहुत एक्सपीरियंस हो गया है बहुत सालों से यहाँ पे इंडस्ट्री में. आपकी फिल्म जब आती थी तो भी वो आपको बटरफ्लाइज होते होंगे स्टमक में जब रिलीज़ होती होगी, तो अभी भी वैसा ही फील होता है जब फिल्म रिलीजिंग डेट. ऑब्वियसली देयर विल बी सम नर्वस एक्साइटमेंट बिकॉज फिल्म रिलीज बहुत स्ट्रेसफुल वक्त है सबके लिए. सो हम जस्ट कोई बात नहीं ऐसा होता है. तो अभी अभी आप इसके बाद और क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके बाद? इसके बाद मेरी एक फिल्म है योर्स ट्रूली जो रिलीज़ होने वाली है. ओके. एंड उसके बाद एक प्ले कर रही हूँ जो इंग्लैंड में होगा. वो इफ ऑल गोज वेल फिर मैं वो करने वाली हूँ. या हमने आलिया में बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ देखी है कि वो बहुत मीडिया फ्रेंडली है और वो किसी भी चीज़ को ना बहुत बोल्डली एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छे से रहती है. आप कैसे लेते हो इन सारी चीज़ों को कि वो कभी मीडिया कुछ उल्टा सीधा छापती है कुछ भी करती है, आप कैसे डील करते हो इन सब चीज़ों को? एक्चुअली मैं काफ़ी अमेज हूँ कि वो इतनी मतलब ईज से सब प्रेस वगैरह हैंडल करती है और इंटरव्यूज हैंडल करती है शुरू से. सो शी डज इट ऑल वेरी एफर्टलेसली. और वो कोई भी शो पे जाएगी तो फिर वो मज़े में रहती है और जवाब सही होती है और ऑल. मैं वाओ हमेशा वाओ बोलती हूँ कि वाओ आई डोंट नो हाउ शी डज इट. या हाँ, तो कुछ उनके मैरिज शी इज़ वेरी काइंड ऑफ यू नो रिलैक्स्ड. शी इज वेरी रिलैक्स्ड. या शी इज स्ट्रेस फ्री वी कैन से. हाँ या तो कुछ उनकी शादी के प्लान्स चल रहे हैं अभी मैम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. नॉट एट ऑल. और अभी उन्होंने बहुत अभी इंटरव्यू में रिसेंटली सुना कि वो भट्ट सर की फिल्म सड़क 3 का बेसब्री से वेट कर रहे हैं. उन्होंने बोला कि अब तक मेरी सारी फिल्म एक साइड है और सड़क 3 बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है. तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या प्रिपरेशन चल रही हैं फिल्म को लेकर के, क्या चल रही? वेल आई डोंट नो. महेश इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ऑब्वियसली क्योंकि वो डायरेक्टर है फिल्म का. सो ही इज़ गोइंग टू बी बिजी विद ऑल दैट एंड ही इज़ वेरी बिजी विद ऑल दैट एंड आई गेस व्हेन शी वंस शी जंप्स इनटू इट देन दिल बी टुगेदर एंड आई विल ऑल्सो डेफिनेटली गो एंड विजिट देम ऑन द सेट एंड तभी मैं देखूंगी. बट बहुत एक्साइटमेंट चल रही है हमारी फैमिली में कि अभी ये प्रोजेक्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है, तो हम उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. और आपको और आलिया को अब हम फिर से साथ देखेंगे किसी फिल्म में? हाँ जी नहीं अभी इस वक्त तो कुछ नहीं, कोई प्रोजेक्ट नॉट दैट आई नो ऑफ. या तो अपने फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज दीजिए मैम. प्लीज़ कम एंड वॉच नो फादर्स इन कश्मीर. इट्स अ वंडरफुल फिल्म. इट्स मेनी मेनी थिंग्स. इट्स अ लव स्टोरी. इट्स अ स्टोरी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कश्मीर बेटर. तो आप प्लीज़ आके सिनेमा हॉल में जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे. आप आइए प्लीज़ और देखिए. और हमारी तरफ से भी विश यू ऑल द बेस्ट मैम आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू.